यार मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। इतना रोचक रोमांचक आईपीएल 2020 और लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला, एक और डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस अपना मोमेंटम बरकरार रखना चाहते हैं, पॉइंट्स टेबल में है सबसे ऊपर, और दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक मस्ट विन गेम। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव उनका नेट रन रेट +0.555 और हमारे पास एक 5-point preview आकाश चोपड़ा के साथ। On My 11 Circle presents ESPN Cricket 4 T20 Timeout। हिंदी शुरू करते हैं। आकाश आज हम थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बातें करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आखिरी मौका, एक और 4-time IPL चैंपियंस मुंबई इंडियंस, दूसरी ओर चार मीनार के शहर से आए सनराइजर्स हैदराबाद, ये आखिरी मौका है, इस बार जीते तो सीट पक्की। हाँ नहीं, बात तो सही है, इसका मतलब आखिरी मुकाबले में भी भाग्य जो है वो आपका आपके हाथ में है। पर किसी ज्ञानी आदमी ने कहा था, देखिए हाथ में लकीरें होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं, पर इससे पहले उंगलियां होती हैं, यानी कि काम करना पड़ता है तभी आप अपना भाग्य बना सकते हो। आज अगर ये मैच आप जीत जाते हो तो फिर अभी तक जो कुछ भी हुआ वो आपको बिल्कुल मैटर नहीं करता, और अगर आज आप हार जाते हो खुदा ना खास्ता तो फिर ऑफकोर्स यू हैव ओनली योरसेल्फ टू ब्लेम। हालांकि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है चार मीनार वाली टीम की तरफ, क्योंकि पहले मिचेल मार्श इंजर्ड हो गए, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो गए, बीच में केन विलियमसन इंजर्ड हो गए। जब इतनी इंजरीज से घिरा रहता है आपका कैंपेन तो कई बार आप आगे नहीं जा पाते, पर ये वाली टीम जो है ना, ये कहते हैं वो चिड़ियों से बाज को लड़ाना जानती है। दिस इज दैट काइंड ऑफ अ टीम, बट ऑफ कोर्स दे आर अप अगेंस्ट अ जायंट दिस टाइम, लेट्स सी क्या होता है। आपका सॉफ्ट कॉर्नर है तो आपके लिए एक्स्ट्रा 2 किलो कुबानी का मीठा पहुंच जाएगा इससे पहले कि आप मुंबई आए। लेकिन हमारे इस प्रीव्यू का पॉइंट नंबर 2, हैदराबाद रखे प्लेइंग 11 बरकरार। आकाश पिछले मैच में उनके चार फॉरेनर्स वॉर्नर, विलियमसन, होल्डर जिन्होंने मैच फिनिश किया, और राशिद खान ऑलवेज द फर्स्ट नेम ऑन द लिस्ट। हम कह रहे हैं भाई यही 11 बरकरार रखें, कुछ भी छेड़खानी ना करें तो शायद आपके चांस है मुंबई के खिलाफ। देखिए ये 11 जो मेंटेन करना है या कंटिन्यूटी जो हम सिलेक्शन में कहते हैं वो रहे तो बहुत अच्छी बात होती है, तो मैं तो कहूंगा कि हाँ आप बिल्कुल इसी के साथ आगे बढ़ें। क्या ये आपकी वो 11 है जो मुंबई को पछाड़ सकती है? वेल आई एम नॉट 100% सर्टन अबाउट दिस, क्योंकि देर आर सर्टन होल्स, पर इश्यूज तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इशू लेस टीम है। अगर इशू लेस होती तो फिर अभी तो क्वालिफाई कर चुकी होती। पर आई एम विद यू कि रिद्धिमान साहा अच्छा खेले हैं, ओपन जब से करना शुरू किया एकदम एक अलग रंग दिखा इस टीम का, इस मैदान पे पहले खेले भी हैं, अच्छा भी किया है, तो उम्मीद यही है कि इवेंचुअली अच्छा करेंगे। पर सभी को, और रादर लेट मी पुट इट दिस वे, ये वाला जो मुकाबला होगा ना, अगर सनराइजर्स को जीतना है तो डेविड वार्नर, केन विलियमसन, राशिद खान, जेसन होल्डर, ये आपके चार बड़ी वो मीनारे हैं, अगर तो ये अच्छा करेंगे तो ये मुकाबला जीतेंगे, और मतलब एक्सेप्शनली अच्छा करेंगे तो ये मुकाबला जीतेंगे, वरना मुंबई इंडियंस इनको मतलब जीतने नहीं देगी। आकाश आप जैसे बड़े बुजुर्ग जब हमें नसीहत देते तो कहते कि भाई अगर सामने वाले में अगर कोई खामी ना दिखे तो खुद की खूबी पर खेलो, जो हमारा तीसरा पॉइंट है हैदराबाद के लिए कि भाई आप पहले बैटिंग करें तो आपको फायदा होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस जो बैटिंग डेप्थ है कुछ भी चेस कर जाएंगे, जबकि हैदराबाद की स्ट्रेंथ है उनकी बॉलिंग, राशिद खान अगर उनके पास एक स्कोर हो जेब में तो शायद बेहतर बॉलिंग कर पाए। शारजा में मैच है, कंडीशंस को देखते हुए क्या हैदराबाद अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग करे, डिफेंस करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है? देखिए वैसे तो ना मैं बड़ा हूं ना मैं बूढ़ा हूं, पहले आपको ये बता दूं, मैं आई एम स्टिल वेरी यंग, बट एनीवे देखिए शारजा का मैदान, इस पे आप चेज करना चाहते हैं, इस पे आप पहले बैटिंग नहीं करना चाहते हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। एक तो ये कि जब आप इस पे पहले बैटिंग करते हैं और सामने मुंबई इंडियंस, आपको ये नहीं पता कि टारगेट क्या सेट करें, और कभी आप वो 190-200 की तरफ देखते हैं तो 120 भी नहीं बनते, दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ लाइफ। और दूसरी बात, बाद में आजकल ड्यू आ जाती है, और अगर ड्यू आ जाती है और आपका स्पिन डोमिनेटेड अटैक है, आपका जो सबसे तर्कश में जो सबसे महत्वपूर्ण तीर है वो स्पिनर है, तो फिर उसका तो आपने कहा ऑलरेडी आधा कर दिया, तो मैं तो कहूंगा कि पहले बॉलिंग कर लीजिए, और बॉलिंग करने के बाद जो आप सबसे अच्छा करते हैं वो है कि आप पकड़ के गेंदबाजी करें, आप थोड़ा सा पकड़ के रखें, और अगर कहीं आपने मुंबई इंडियंस को 150-160 तक रोक लिया तो फिर जो हमने बेन स्टोक्स से देखा था ना कि वो एक मैजिकल पारी, तो वो पारी तो वार्नर भी खेल सकते हैं, वो पारी तो फिर केन विलियमसन भी खेल सकते हैं, हो सकता है पांडे जी का दिन चल जाए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बॉलिंग कीजिए, और गीली गेंद से बॉलिंग करना सेकंड इनिंग्स में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा काम है। आपने तीन नाम लिए, लेकिन उन तीन नामों के बाद कौन कौन होना चाहिए वो हमारा अगला पॉइंट है। देखिए जिस शख्स की वजह से हैदराबाद ने जश्न मनाया, जेसन होल्डर, हम कह रहे हैं कि भाई अब केस बनता है कि उनको आप थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी कराए, आप सहमत या नहीं? देखिए जब तक मैच शुरू नहीं होता, मैच डेवलप नहीं होता, ये कहना बिल्कुल थोड़ा सा मैं सिरे से खारिज कर दूंगा इस बात को कि
जेसन होल्डर को आप ऊपर बैटिंग कराएं, क्यों? क्योंकि ऑन मॉर्गन तो है नहीं, ये बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं टीम में, ऑन मॉर्गन के लिए हम कह सकते हैं कि चार से नीचे अगर आप जा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं हम, ये बात किसी और मतलब जो जिस सिर्फ बतौर बल्लेबाज खेलता है अब उनके लिए बात कह सकते हैं, रोहित शर्मा के लिए कह सकते हैं, श्रेयस अय्यर के बारे में कह सकते हैं, आप केएल राहुल मयंक अग्रवाल के बारे में कह सकते हैं, लेकिन आप ये होल्डर के बारे में नहीं कह सकते। तो मेरे विचार में तो जस्ट सी की कैसा गेम चल रहा है और थोड़ी सी ज्यादा इनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं और मुझे लगता है देंगे भी, क्योंकि अब ये बड़ा मैच है ना। मान लीजिए आपको 40 गेंदों में 60 रन चाहिए, आप चेस कर रहे हैं, तो 40 में जब 60 चाहिए तो फिर अगर आपके पास विकल्प बचते हैं कि मैं अब्दुल समाद को, अभिषेक शर्मा या फिर जेसन होल्डर को भेजूं, मैं कहूंगा अभी होल्डर को भेज दो, क्योंकि ये अगर दबाव को सोख लेंगे आगे की तरफ ले जाएंगे तो आप जीत जाएंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी और के ऊपर अपनी वो दांव चला और एंड में आपको 2 ओवर में 45 रन रह गए। तो इससे बेहतर यह है कि लड़ाई करने के लिए अपने जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनको पहले आप भेज दीजिए और वो जो इन्फेंट्री है आपकी उसको थोड़ा बाद में इस्तेमाल कीजिए। आखिरी पॉइंट, हार्दिक पांड्या पिछले मैच में नहीं खेले थे, जयंत यादव को खिलाया था, लेकिन मुंबई इंडियंस नहीं चाहते कि ऐसे नाजुक मोड़ पर अपना मोमेंटम खोए, तो हार्दिक अगर फिट है, कोई परेशानी नहीं, तो उनका वापस आना बनता है, लाना ही चाहिए, राइट? बिल्कुल, क्योंकि अभी आपका आखिरी मुकाबला है। देखिए इस मैच में तो अगर रोहित शर्मा फिट है तो उनको भी खेलना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से खेले नहीं है, तो इवेंचुअली ही वुड वांट टू प्ले, कि थोड़ा सा तो बैटिंग प्रैक्टिस के साथ जाए वो प्लेऑफ्स की तरफ। तो पूरी अपनी जो बेस्ट 11 है आप वो खिलाइए और उसी 11 को आप दोबारा 2 दिन बाद खिलाने की कोशिश करेंगे, इज व्हाट आई फील। अगर कुछ बदलाव करना है तो मे बी फास्ट बॉलर किसी को रेस्ट कराना तो करा लो, लेकिन बैट्समैन को रेस्ट कराना मेरे विचार में तो कहीं से लॉजिकल नहीं है, क्योंकि बैट्समैन आज तक किसी बैट्समैन ने ये नहीं कहा कि मुझे बैटिंग नहीं करनी, बॉलर मैंने फिर भी सुना है कि कहते हैं यार आज बॉलिंग नहीं करनी, बैट्समैन हमेशा चाहे नेट हो चाहे मैच हो हर बैट्समैन को बैटिंग करनी। पैटिंसन या कोल्ट नाइट? मैं पैटिंसन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आपका फ्यूचर में आपका प्लेऑफ में कौन बेटर ऑप्शन है, दैट्स द ओनली पॉइंट। देखिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन द टू, पैटिंसन से इन्होंने ज्यादा थोड़ा फेथ दिखाया है, ज्यादा मैचेस खिलाए हैं, आई वुड स्टिक विद पैटिंसन, क्योंकि जो प्लेऑफ के मुकाबले हैं वो अबू धाबी और दुबई में होने हैं, यहाँ पिचेस में थोड़ा सा उछाल ज्यादा है और वो जो एक्स्ट्रा बाउंस पैटिंसन को मिलता है मे बी दैट माइट कम हैंडी। पर ये मुंबई इंडियन वो वाली टीम है भाई साहब, आप किसी को भी खिला लो, आप लेफ्ट को खिला लो, आप राइट को खिला लो, इनका काम हमेशा राइट ही रहता है। तो फिर चाहे नेथन कूल्ट नाइल खेले चाहे पैटिंसन खेले, इनकी सेहत पे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क पड़ना है नहीं। देखिए लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरे देश या पूरी दुनिया में जितने कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस है वो आपको पता है किसे सपोर्ट कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस जीत जाए तो भाई उनका चांस बन जाएगा, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद अगर इस मैच को जीतते हैं तो पहुंच जाएंगे आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में, हम भी यहां पर पहुंच जाएंगे एक और बार। माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्विक एंड 4T20 टाइम आउट हिंदी पर। फिलहाल थैंक यू आकाश, आपको परेशान करेंगे बहुत जल्द।